हमास को इजराइल ने ही सपोर्ट और फंड्स दिए। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उसी दिन ये 7 अक्टूबर 2023 वाला अटैक प्लान हुआ था। 9 दिसंबर 1987 को एक ऐसी चीज होती है जो इजराइल के गले की हड्डी बन जाती है। टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें एक यंग पैलेस्टीनी एक रबर बुलेट्स थी ये मॉस्क के जो होली कंपाउंड थे वहां जाके लगी। यूएस ने जो मिडिल ईस्ट में इजराइल नाम का लठ रख रखा है उसको यूएस अब यूज, तो ऐसा नहीं है कि वो जो रिफ्यूजी थे पैलेस्टीनी उनको अरब देशों ने ले लिया। हमास इज अ क्रिएशन ऑफ इजराइल, पीएलओ वाले पैलेस्टीन को बेच के आ गए और जिसका डर था वही हुआ। हमास बम्पर वोटों से 74 सीट से जीत के आती। कुछ मिसाइल्स तो ईरान ने शुगर के पाउडर से बना दिए और इन्हीं मिसाइल्स का यूज 2014 में कि हमास ने ऐसा किया क्यों, उसको पता था कि इजराइल वापस अटैक करेगा। देखिए इजराइल की जो पूरी हिस्ट्री है, कैसे ज्यूज आए, कैसे ये देश बना, इनका किंगडम क्या था, ज्यूज को क्यों छोड़ के जाना पड़ा, जेरूसलेम क्रिश्चियन मुस्लिम और ज्यूज के लिए इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, ये सब हम एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैलेस्टीन लैंड का ऐसा क्या इशू है जो दुनिया भर की सारी कंट्रीज मिलके भी सॉल्व नहीं कर पा रही है। हमास की शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी स्टोरी क्या है, कैसे इजराइल का बनाया हुआ हमास इजराइल पे आज इतना भारी पड़ रहा है और अभी करंट सिचुएशन में भी ये पता होते हुए भी कि इजराइल भारी तरीके से रिटेलिएट करेगा, उसके बाद भी हमास ने हमला क्यों किया, तो ये सारी चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ये पूरा इशू यूएन में जाता है और 1947 में यूएन पार्टीशन प्लान लेके आता है जिसमें टू स्टेट सॉल्यूशन लाया गया। 45% एरिया जो था वो पैलेस्टीनियों को दिया गया और 55% एरिया जूस को दिया गया और जो जेरूसलेम था वो यूएन ने अपने कंट्रोल में रखा। ये वो मैप है, ऑरेंज वाला पार्ट पैलेस्टीन का है, ग्रीन वाला पार्ट इजराइल का है और ये पिंक वाला पार्ट जो जेरूसलेम है ये यूएन ने अपने पास रखा। अब जैसे यूएन ये टू स्टेट सॉल्यूशन पास करता है तो इजराइल तो खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके तो मन की बात हो जाती है, लेकिन अरब कंट्रीज इस चीज को मानने से साफ मना कर देती हैं क्योंकि वो टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं डिमांड कर रहे थे। अरब चाहता था कि सिंगल स्टेट प्लान हो। देखिए टू स्टेट प्लान मतलब कि दो कंट्रीज बनाई जाएंगी इजराइल और पैलेस्टीन, और वन स्टेट प्लान मतलब कि एक ही कंट्री बनेगी, मान लो पैलेस्टीन बनेगी और उसी के अंदर क्रिश्चियंस मुस्लिम और ज्यूज रहेंगे, वहां मुस्लिम लॉ फॉलो होगा। तो आप नोटिस करोगे जब भी इजराइल और पैलेस्टीन का जो मसला है उसको सुलझाने की बात होती है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में टू स्टेट सॉल्यूशन और सिंगल स्टेट सॉल्यूशन की बात होती है, ज्यादातर कंट्रीज टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यूएन टू स्टेट प्लान इंप्लीमेंट करता है और इजराइल इसको बड़े आराम से मान लेता है। 14th ऑफ मई 1948 को इजराइल इंडिपेंडेंस अनाउंस कर देता है और स्टेट ऑफ इजराइल बना देता है। अब पैलेस्टीन जो था उसकी कोई लीडरशिप नहीं थी, मिलिट्री नहीं थी, तो वो रिटेलिएट नहीं कर पा रहा था, तो अरब कंट्रीज पैलेस्टीन के सपोर्ट में आती हैं। 14th ऑफ मई 1948 को इजराइल बना था, उसके नेक्स्ट डे 15th ऑफ मई 1948 को अरब कंट्रीज इजिप्ट सीरिया इराक लेबनान जॉर्डन मिलके इजराइल पे अटैक कर देते हैं। इजराइल छोटा सा देश था जिसको बने सिर्फ एक दिन हुआ था, तो देखा जाए तो इतनी सारी कंट्रीज मिलके इजराइल को हरा ही देती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये वॉर एक साल तक चलती है और इजराइल अरब कंट्रीज को हरा देता है और हराने के बाद क्या करता है कि यूएन ने जो टू स्टेट बना के एरिया डिवाइड किया था वो तो दूर की बात, इजराइल उससे ज्यादा एरिया कब्जा कर लेता है। ये देखिए ये लड़ाई से पहले का इजराइल और लड़ाई जीतने के बाद ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये एरिया भी इजराइल अपने पास ले लेता है। और इस इजराइल अरब वॉर के बाद एक एग्रीमेंट होता है जिसे आर्मिस्टिक एग्रीमेंट 1949 भी बोला जाता है। इसमें एक टेम्परेरी लाइन बना दी गई थी जिसे ग्रीन लाइन बोला गया था कि यूएन ने जो कहा वो तो छोड़ो फिलहाल, जब तक कोई इस चीज का हल नहीं निकल पाता है ग्रीन लाइन फॉलो होगी। ये है वो ग्रीन लाइन वाला मैप। तो इस लड़ाई के बाद जो मैप बना वो यूएन वाले मैप से एकदम अलग बना। इसमें ये ब्राउन वाला पार्ट इजिप्ट के पास चला गया और ये पर्पल वाला पार्ट जॉर्डन के पास गया और इस जॉर्डन वाले पार्ट को वेस्ट बैंक बोला गया क्योंकि ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट में था, बाकी सब इजराइल के पास चला गया। देखिए इजराइल पैलेस्टीन की वॉर काफी पुरानी है और ये आज तक चलती आ रही है, इसलिए इसको कर्स्ड वॉर भी बोला जाता है। कुछ टाइम पहले मैंने एक ऑडियो बुक सुनी थी इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन द कर्स्ड वॉर, उससे मुझे इस वॉर के बारे में काफी कॉन्टेक्स्ट मिला था और तभी से मेरा इसमें काफी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। इस ऑडियो बुक में ज्यूज होलोकॉस्ट से लेके क्रिएशन ऑफ इजराइल टाइम्स के भी इशू मेंशन किए गए हैं जिसका असर आज की सिचुएशन तक पड़ते आ रहा है। नॉर्मली इतनी डिटेल मिलना मुश्किल होती है बट ये काफी डिटेल्ड है और मुझे काफी इंटरेस्टिंग भी लगी। इस ऑडियो बुक की रेटिंग 4.3 स्टार है और काफी लोगों ने इसको पसंद किया है। ये ऑडियो बुक कुकू एफएम पे अवेलेबल है, आप इसको जरूर सुनिएगा, आई एम श्योर इससे आपकी समझ इस टॉपिक पे और बढ़ेगी। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइब। आप मेरी इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट्स वीडियो जरूर देखना और कुकू एफएम पे सुने एक और हिस्टोरिकल ऑडियो बुक मोसाद द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ इजराइल सीक्रेट सर्विस। आप मेरा कूपन कोड NR50 यूज कर सकते हैं फॉर 50% ऑफ ऑन फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन इन जस्ट ₹49। एंजॉय
10,000 ऑडियो शो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिंड कमेंट। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब जब ये सारी चीजें हुई तो फिलिस्तीन के लिए तो कोई जगह बची ही नहीं, और एक तरह से फिलिस्तीन जो देश था वो पूरी तरीके से खत्म ही हो गया। और जब देश ही नहीं बचा तो ये जो 7 लाख फिलिस्तीनी थे ये रिफ्यूजी बन जाते हैं। इस दिन को फिलिस्तीनी आज की डेट तक भूले नहीं है। इस दिन को ये लोग नकबा डे कहते हैं। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं कि अरब तो लड़ रहे थे फिलिस्तीनियों के लिए, लेकिन जब फिलिस्तीनी रिफ्यूजी बन गए तो ऐसा नहीं है कि वो जो रिफ्यूजी थे फिलिस्तीनी उनको अरब देशों ने ले लिया। तीनों कंट्रीज में से किसी भी कंट्री ने रिफ्यूजी को अपना सिटीजन बनाने का ऑफर तक नहीं दिया। इनफैक्ट उस टाइम पे इन कंट्रीज ने सिटीजनशिप के जो लॉ थे वो और स्ट्रिक्ट कर दिए थे। अच्छा, साइड से यूएन इसराइल पे कंटीन्यूअसली प्रेशर बना रहा था कि ये जो टू स्टेट सॉल्यूशन हमने निकाला था उसको फॉलो करो आप। इसके जवाब में इसराइल ने कहा कि हमें सिक्योरिटी का थ्रेट है, ये जो जॉर्डन और इजिप्ट के पास जो ऑक्यूपाइड एरिया है ये फिलिस्तीनियों को आप दे दो। लेकिन जॉर्डन और इजिप्ट ने कहा कि ऐसा करने से इसराइल फिर से हमारी पोजीशन खराब कर देगा और फिर से अटैक वगैरह कर देगा, इसलिए जब पूरा इसराइल हमें मिल जाएगा तो एक साथ फिलिस्तीनियों को बसाया जाएगा, तब तक ये हमारे अंडर में रहेगा। इस लड़ाई के कुछ साल बाद फिलिस्तीनियों को भी लगा कि हमारा खुद का भी कुछ होना चाहिए। तो 1964 में फिलिस्तीन ने पीएलओ, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका मेन एम था इसराइल से जमीन को वापस लेना। लेकिन शुरू में जब पीएलओ बनी थी तो ये उतनी ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं थी। अब इसके 3 साल बाद 1967 में फिर से अरब कंट्रीज इसराइल पे अटैक करती हैं। एग्जैक्टली 5th ऑफ जून 1967 को ये वॉर स्टार्ट होती है और 10th ऑफ जून 1967 को खत्म हो जाती है, इसलिए इसको 6-डे वॉर भी कहा जाता है। इसमें इसराइल इन 3 कंट्रीज इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को फिर से हरा देती है। इस वॉर में इसराइल पहले इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप लेती है, उसके बाद ये जॉर्डन की तरफ जाते हैं, उनसे वेस्ट बैंक ले लेती है और वहां पे भी ये रुकते नहीं है। इसके बाद ये सीरिया की तरफ जाते हैं और वहां गोलन हाइट जो है उसको ले लेते हैं और साथ में जेरूसलेम को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जूस के लिए जेरूसलेम कितना इंपॉर्टेंट है। इस लड़ाई के बाद जूस ने यह कहा कि ये 18 साल बाद अपने किंगडम को वापस ले लिया। ये लोग अपने कैलेंडर के हिसाब से जिस दिन ये चीज हुई इस दिन के बाद से इन्होंने अपने कैलेंडर के हिसाब से इस दिन को जेरूसलेम डे के नाम से मनाया। तो देखिए, ये जब लड़ाई खत्म होती है तो इस लड़ाई में इसराइल के पास 100% एरिया आ जाता है। अब देखिए, 100% एरिया तो मिला इनको, लेकिन उस एरिया के साथ साथ इनको 2 मिलियन पेलेस्टीनीज जो थे वो भी मिले। और इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जो पेलेस्टीन है वो तो देश बचा ही नहीं था, तो ये जो पेलेस्टीनी है, जो 2 मिलियन पेलेस्टीनी है, ये किस कंट्री के सिटीजन बनेंगे? अब ये 2 मिलियन पेलेस्टीनी थे, इनको इसराइल सिटीजनशिप भी नहीं देना चाहता था इसराइल की, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो पेलेस्टीनियों को राइट टू वोट मिलता और फिर ये इलेक्शन में वोटिंग करते, अपने लीडर को जितवा सकते थे, तो ये सारी चीजें वो चाहते नहीं थे। ओवरऑल पॉपुलेशन से भी कंसिडर किया जाता तो पेलेस्टीनियों का जो नंबर था वो ज्यादा हो जाता, तो इनके हाथ में पावर आ सकती थी, इसराइल की पूरी मेहनत खराब हो जाती, इसलिए वो ये नहीं करना चाहते थे। तो ना तो इन 2 मिलियन लोगों को ये सिटीजनशिप दे सकते थे इसराइल की, ना ये कहीं बाहर भेज सकते थे, ना उनको मार सकते थे, और ना ही इनके मन में ये था कि इनको अलग देश बना के दे दें। ऐसा नहीं था कि वेस्ट बैंक और गाजा जो है वो अलग देश बना के इनको दे दें, क्योंकि इनका मानना था कि इनकी सिक्योरिटी जो है वो रिस्क पे आ जाएगी ऐसे। तो इसराइल ने क्या किया, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के ऐसे इलाके हैं जहां पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं। हर गली और हर एरिया आइडेंटिफाई किया और उसको सेक्शन में बांट दिया और इस एरिया में मिलिट्री लगा दी और फिर इनके आसपास के एरिया में धीरे धीरे करके जूस को सेटल करना शुरू किया। और जूस को वहां पे सेटल होने पे फ्री में लैंड और घर दिए जाते थे और कई केस में तो सरकारी नौकरियां भी दी जाती थी। एक मैप से समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये इसराइल का मैप है, ये वेस्ट बैंक है और इस वेस्ट बैंक को जूम करेंगे तो ये देखिए ये ऐसे दिखता है। इसमें जो डार्क ब्राउन एरिया है ये पैलेस्टीनियंस के घर है, लाइट ब्राउन एरिया में पैलेस्टीनियंस के घर है और इसराइल की मिलिट्री कंट्रोल में है। इसमें जो ब्लू डॉट देख रहे हैं आप, इसमें इन्होंने जूस को सेटल किया है और ये जो ब्लू स्क्वायर देख रहे हैं आप, यहाँ पे इन्होंने अपनी मिलिट्री के बेस रखे हैं जिससे हर किसी की मूवमेंट जो है वो कंट्रोल की जा सके, अटैक वगैरह ना हो। और सेम चीज इन्होंने गाजा स्ट्रिप में भी की। देखिए, इसराइल के इन एक्शन से समझ में आ गया था कि ये जो बैक टू बैक वॉर हुई है ये किसी को ट्रस्ट नहीं करेंगे और इस जगह को ये फिलिस्तीनियों को देने के मूड में नहीं लग रहे थे। इसलिए आप देखोगे कि आज की डेट तक कोई भी इसराइली नेता हो वो कहेगा कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन स्टेट के बॉर्डर क्या होंगे उस पे हमेशा चुप रहता है। यूएन ने इस चीज को लेके काफी बार बोला कि ये जो जूस यहाँ पे सेटल हो रहे हैं ये इलीगल है, लेकिन इसराइल का कहना था कि हम अपनी सिक्योरिटी रिस्क पे नहीं डाल सकते। यही रीजन है कि जो पैलेस्टीन देश है वो गूगल मैप वगैरह पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि पैलेस्टीन जो देश है वो बचा ही नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज और थी कि गाजा स्ट्रिप हो या फिर वेस्ट बैंक हो, इसके अंदर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन सब इसराइल का होता था। तो पहले 1946 में ये मैप था, फिर यूएन ने जो बनाया वो ये था,
और फिर उसके बाद ये बना और आज की डेट में ये मैप है। अब देखिए सारी चीजें जो इसराइल कर रहा था, इन सारी चीजों को देख के जो अरब कंट्रीज थी ये यूएन पहुंचती हैं और कहती हैं कि 1967 से पहले वाला जो बॉर्डर था, यानी कि जो ग्रीन लाइन थी जो डिसाइड किया था हम लोगों ने, इसराइल को कह दीजिए कि उस पर वापस चले जाए और जो गाजा पट्टी है, वेस्ट बैंक है और गोलन हाइट है उसको आप हमें दे दीजिए। लेकिन इस बार इसराइल ने यूएन को भी मना कर दिया। अब देखिए इतनी लड़ाइयां हो चुकी हैं, 1973 में भी एक लड़ाई हुई थी और अरब भी लड़ाई कर करके थक गए थे और अब लड़ाई करने पर यह भी डर बन गया था कि जो एरिया था वो और चला जा रहा था। जैसे सीरिया का गोलन हाइट था वो कब्जा कर लिया था इसराइल ने, तो धीरे धीरे करके इजिप्ट, जॉर्डन ने इसराइल से पीस एग्रीमेंट करके किनारा कर लिया। तो देखिए जब पैलेस्टीनियंस ने देखा कि इजिप्ट और जॉर्डन ने पीस एग्रीमेंट कर लिया तो इनको इतना समझ में आ गया था कि जो लड़ाई है ये हमें खुद लड़नी पड़ेगी। तो 1964 में जो PLO बनी थी वो इस 1967 की वॉर के बाद दोबारा से एक्टिव हो जाती है। इस बार पैलेस्टीन के खुद के लीडर्स इकट्ठा होते हैं, एक्चुअली इसराइल और उसके बाहर छोटे छोटे ग्रुप में पैलेस्टीनियंस जो थे वो इसराइल के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे, उन सारे ग्रुप्स को एक साथ लाके PLO बनाई। तो एक्चुअल में जो PLO बनी वो मल्टीपल ग्रुप से मिलके बनी। ऐसे ही गाजा स्ट्रिप के अंदर एक यंग रिफ्यूजी था यासिर अराफात, जो पढ़ाई के लिए पर्शियन गल्फ में चला गया था, लेकिन इसने वहीं पे ही कुछ फिलिस्तीनियों को इकट्ठा करके एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था फतह। ये पार्टी जो थी ये उस टाइम पे इसराइल के खिलाफ रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल करती थी। तो ये जो पार्टी थी ये भी PLO से जुड़ गई। PLO जितने भी ग्रुप से मिलकर बना था उसमें सबसे बड़ा ग्रुप जो था वो फतह पार्टी का था और यही रीजन था कि फतह पार्टी के जो लीडर थे यासिर अराफात, इनको ही PLO का चेयरमैन बनाया गया। इन्होंने बनते ही PLO को दो तरीके से ऑपरेट किया, एक तो इन्होंने PLO की पॉलिटिकल विंग बनाई, दूसरा इन्होंने PLO की एक ऐसी विंग बनाई जो इसराइल के खिलाफ आम स्ट्रगल करे, जो इसराइल की मिलिट्री वगैरह पे अटैक करे, और इन्हीं में से एक थी पैलेस्टीन फदायन। अब इसराइल में ही बैठ के इसराइल के खिलाफ ये सब करना बहुत ही मुश्किल था, तो PLO ने शुरू में इसराइल के बाहर से बैठ के ऑपरेट करना चालू किया। PLO और यासिर अराफात को शुरू में आतंकी बोला गया था, लेकिन आयरनी देखिए आप कि यासिर को आगे चल के नोबल पीस प्राइज मिला, वो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए जो PLO था ये पहले ईयर 1970 में जॉर्डन से बैठ के ऑपरेशन करता था अपने, लेकिन आगे चल के जब जॉर्डन पे प्रेशर पड़ा तो जॉर्डन ने इनको अपने देश से भगा दिया। फिर इसके बाद करीब एक साल बाद 1971 में ये लोग लेबनान से ऑपरेट करने लगे, लेकिन धीरे धीरे वहां भी इनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो इनको लेबनान छोड़ के भी भागना पड़ा। और जब इनकी जनता ने PLO वालों को स्ट्रगल करते हुए देखा तो इनकी काफी रिस्पेक्ट बढ़ी और अरब्स ने भी इनको हेल्प करना चालू किया। जो PLO था वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा था। PLO के लीडर्स जो डिसाइड करते थे वो पैलेस्टीनियंस मानने लगे थे। लेकिन इसके बाद ईयर आता है 1987 और 9 दिसंबर 1987 को एक ऐसी चीज होती है जो इसराइल के गले की हड्डी बन जाती है। एक्चुअली इसराइल में जो गाजा स्ट्रिप थी वहां पे एक रिफ्यूजी कैंप था जिसका नाम था जबालिया रिफ्यूजी कैंप। इस कैंप के पास से एक इसराइली डिफेंस ट्रक जो था वो जा रहा था और उस ट्रक ने ऐसा एक्सीडेंट किया कि वहां पे एक कार थी उससे चार लोगों की डेथ हो गई और ये जो चार लोग थे जिनकी जान गई थी जबालिया रिफ्यूजी कैंप में ही रहते थे। अब इन चार लोगों का जब फ्यूनरल निकलता है तो इसमें 10,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस जो थे वो इकट्ठा हो गए थे और सब बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और धीरे धीरे ये बात होने लगी कि ये जो एक्सीडेंट किया गया ये जानबूझ के किया गया और फिर भीड़ जो थी वो बेकाबू हो जाती है। भीड़ जो थी वो इसराइल के जो कैंप वगैरह थे उन पर अटैक करती थी, बॉटल्स में आग लगा के फेंकती थी, प्रोटेस्ट करने लगी, कई तरीके से वॉयलेंस किए, जो वॉल्स थी वहां पे इसराइल के खिलाफ गालियां लिखने लगी। तो उस एरिया में ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। अब इसके रिस्पांस में इसराइल 80,000 से ज्यादा सोल्जर्स जो थे वो गाजा स्ट्रिप में भेज देता है और इससे टेंशन और बढ़ जाती है। जो लोकल पैलेस्टीनियंस थे और जो इसराइली फोर्सेस थी दोनों तरफ से बहुत ज्यादा जाने गई। धीरे धीरे जो बात थी गाजा स्ट्रिप से वेस्ट बैंक की तरफ पहुंच जाती है और वहां के भी जो पैलेस्टीनियंस थे वो भी भड़क जाते हैं और इस टाइम पे PLO के जो लीडर्स थे वो भी अपने लोगों के साथ आ जाते हैं। ये पहली बार था जब इसराइली फोर्सेस जो थी वो बैकफुट पे आती हुई दिख रही थी, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर जो थी उसमें तो इसराइल जीत रहा था, लेकिन ऐसी आम लोगों की भीड़ में आप 100 टैंक भी लाके खड़ा कर दो आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन अटैकर है और कौन नॉर्मल आदमी है जो अपना काम करने जा रहा है। 6 साल तक कॉन्टिन्यूसली ये लड़ाई चलती है। इस चीज को बोला गया फर्स्ट इंतफादा, जो कि 8th of December 1987 को शुरू हुआ था और 13th of September 1993 को खत्म हुआ था। अच्छा, जब ये फर्स्ट इंतफादा गाजा स्ट्रिप के अंदर चल रहा था तो गाजा स्ट्रिप में एक ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम ब्रदरहुड नाम से। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम ब्रदरहुड, इसको इसराइल ने गाजा स्ट्रिप के अंदर इस्लामिक सेंटर बनाने के लिए, चैरिटी करने के लिए, जो गरीब पैलेस्टीनियंस थे उनके लिए पैसे इकट्ठे करना हो या फिर बच्चों के लिए स्कूल वगैरह बनाना हो, ये सब करने के लिए अलाउ कर रखा था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये थी तो पैलेस्टीनियों के सपोर्ट में, लेकिन ये PLO वगैरह के साथ मिलकर
आर्म स्ट्रगल नहीं करती थी, वायलेंस नहीं करती थी। ये उस टाइम पे गाजा स्ट्रिप के अंदर इस्लाम की टीचिंग को बढ़ावा दे रही थी, इसलिए इसको इसराइल की जो मिलिट्री थी, गवर्नमेंट थी, वो इसको काफी फंड भी करती थी मस्जिद वगैरह बनाने के लिए गाजा स्ट्रिप के अंदर। और इस वजह से गाजा स्ट्रिप के अंदर इनके जो पैलेस्टीनी फॉलोअर्स थे वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। अब जब ये फर्स्ट इंतफादा हुआ गाजा स्ट्रिप के अंदर और ये जो ट्रक वाला इंसिडेंट हुआ, तो 10th of December 1987 को मुस्लिम ब्रदरहुड के कुछ लीडर इकट्ठा होते हैं और एक मीटिंग की शेख अहमद यासीन के घर पे। शेख अहमद यासीन मुस्लिम ब्रदरहुड जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके हेड थे। तो इस मीटिंग में इनके लीडर्स ने कहा कि पूरे गाजा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग गुस्से में, अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो गलत मैसेज जाएगा, हमारे फॉलोअर्स भी नाराज हो सकते हैं हमसे, उनका सपोर्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कम हो जाएगा। अब मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर शेख अहमद यासीन इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। उनका कहना था कि किसी भी तरीके के वायलेंस में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उससे कोई फायदा नहीं है और ये टाइम सही नहीं है। लेकिन इनकी लीडरशिप ने एक काम किया कि सेम ईयर 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड की अलग से एक नई विंग बनाई जिसका नाम रखा हरकत अल मुकवामा अल इस्लामिया, जिसको शॉर्ट में बोला गया हमास। अब जब ये हमास बनी तो इसके कुछ दिन बाद ही इसमें एक पैलेस्टीनी रिफ्यूजी जुड़ा जिसका नाम था मोहम्मद डेफ, जो आज की डेट में दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। और ये जो 7th of October को अभी ये जो अटैक हुआ है, ये पूरा हमला इसी ने प्लान किया था, वो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। तो ये जब हमास बना, इसने प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट किए, पीएलओ इस टाइम पे इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन था, और वहीं दूसरी तरफ ये जो मुस्लिम ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन थी इसके फॉलोअर्स काफी बढ़ रहे थे। तो इसराइल ने पीएलओ को वीक करने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। पीएलओ के अगेंस्ट में हमास को इसराइल ने ही सपोर्ट और फंड्स दिए ताकि ये लोग पीएलओ के अगेंस्ट में खड़े हो जाएं। ये बात फॉर्मर रिपब्लिकन कांग्रेसमैन रॉन पॉल ने ऑफिशियली फ्लोर ऑफ द हाउस के सामने एक्सेप्ट की थी कि हमास को पीएलओ के यासिर अराफात को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। हमास was encouraged and really started by Israel because they wanted Hamas to counteract Yasser Arafat. और यासिर अराफात जो PLO के हेड थे, उन्होंने खुद ये चीज इटालियन न्यूज़पेपर में बताई थी कि हमास इज अ क्रिएशन ऑफ इजराइल। इनफैक्ट इजराइल के ब्रिगेडियर जनरल यिट्जिक, जो गाजा में काफी टाइम से थे, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में बताया कि उन्होंने हमास को शुरू में फंडिंग की थी और मदद भी की थी, और आगे चल के यही हमास उनके खिलाफ अटैक करने लगा था। इवान, जो कि इजराइल की तरफ से गाजा स्ट्रिप में 2 decades तक थे, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा, हमास टू माई ग्रेट रिग्रेट इज इजराइल्स क्रिएशन। इन्होंने लेटर भी लिखा था अपने सीनियर्स को कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इजराइल को बैकफायर करेगी। और आगे चल के ये बात सच निकलती है, ये चीज, ये जो हमास इन्होंने बनाई थी, ये आज की डेट तक इनको परेशान कर रही है। इजराइल ने इतनी आर्मीज को हराया जंग में, इतनी सारी वॉर्स जीती, लेकिन हमास के गुरिल्ला वॉरफेयर का कभी कोई सॉलिड प्लान नहीं आया इनके पास, जिसकी वजह से ना जाने कितने मासूमों की जान गई। जब ये फर्स्ट इंतफादा चल रहा था तो हमास 2 साल तक तो चुप रहा, पीसफुली प्रोटेस्ट वगैरह करे, लेकिन इसने अपने असली रंग दिखाए 1989 में। इन्होंने अपना पहला अटैक किया जिसमें इन्होंने 2 इजरायली अवी सस्पोर्टस एंड साडोन, इन दोनों को मारा, और यहां से ये डे बाय डे ब्रूटल होते गए। इन्होंने बच्चों की बसेस में आग लगाई, बॉम्ब फेंके, बहुत डिस्ट्रक्शन किए। ये इस हद तक रेडिकल हुए थे, ये खुद ही बॉम्ब पहन के लोगों पे जाके अटैक कर देते थे। और जहां बाकी पैलेस्टीनियंस ग्रुप जो थे वो इसराइल की मिनिस्ट्री से लड़ाई कर रहे थे, वहां की आर्मी से लड़ाई कर रहे थे, इन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया। और फिर धीरे धीरे आगे चल के इन्होंने अपनी पॉलिटिकल विंग भी बनाई। फर्स्ट इंतफादा 1987 से 1983 तक चलता है और इसमें इसराइल इतना परेशान होता है कि पहली बार वो डिस्कशन के लिए रेडी होता है। फर्स्ट इंतफादा जो हुआ था उसने एक्चुअल में अरब वर्ल्ड जो था उसको एक रास्ता दिखा दिया था कि जो इजराइल फोर्सेस हैं उसको बैकफुट पे कैसे लाया जा सकता है। तो जब डिस्कशन स्टार्ट होता है तो शुरू में इजराइल के पीएम राबिन और पीएलओ की तरफ से यासिर अराफात, तो इन्होंने सीक्रेटली बिना किसी को बताए नॉर्वे का एक शहर है ओस्लो, उसके अंदर इनकी नेगोशिएशन स्टार्ट हुई, और इसको मीडिएट कर रहे थे बिल क्लिंटन, और नॉर्वे की जो गवर्नमेंट थी वो इसको मीडिएट कर रही थी। जब सब फाइनल हो गया तो उसके बाद ये चीज ओपन हुई और व्हाइट हाउस के अंदर 13th of September 1993 को ऑस्लो एग्रीमेंट साइन कर दिया गया। इस एग्रीमेंट के अंदर ये था कि पहले तो इजराइल और पैलेस्टीन जो है ये दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, दूसरे दोनों लोग मिलके कुछ कंडीशन सेट करेंगे, जिसमें से एक ये था कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप जो है ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को दे दिया जाएगा, जिसके पहले प्रेसिडेंट यासिर अराफात होंगे। इस एग्रीमेंट के बाद पैलेस्टीन एक देश तो नहीं बना, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हुई, जैसे कि वेस्ट बैंक और गाजा में पैलेस्टीनियंस जो रह रहे थे उनके छोटे छोटे कंसर्न रहते थे, उसको रिजोल्व करने के लिए पीएलओ के थ्रू एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाई गई, उसमें मेंबर जोड़े गए और इंटरनल इलेक्शन और वोटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब कि जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगे वो इन दोनों एरिया वेस्ट बैंक और गाजा में पैलेस्टीनियंस जो हैं उनके इशू को आगे रखेंगे। एक तरह से वोटिंग इस चीज की थी कि पूरे पैलेस्टीनियंस जो हैं
वो जो जनता है उनकी, उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, उसकी वोटिंग होगी। इसमें वेस्ट बैंक और गाजा के एरिया को 3 सेक्शन में बांट दिया गया। एरिया ए जिसमें गवर्नमेंट और सिक्योरिटी दोनों कंट्रोल जो है वो पैलेस्टीनियंस के पास रहेगा। एरिया बी जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल पैलेस्टीनियंस के पास रहेगा और जो सिक्योरिटी कंट्रोल होगा वो इसराइल के पास रहेगा। एरिया सी जिसमें पूरा कंट्रोल इसराइल के पास रहेगा। इस ऑस्लो एग्रीमेंट के लिए यासिर अराफात और इसराइल के पीएम को नोबेल प्राइज भी दिया गया, लेकिन इस ऑस्लो अकॉर्ड की वजह से इसराइल और पैलेस्टीन दोनों के लोग गुस्सा हो गए थे। ये झाक राबिन जो कि इसराइल के पीएम थे, उनको इस चीज के लिए गोली मार दी गई थी और जिस इसराइली सरकार ने इस एग्रीमेंट के लिए डिसीजन लिया था उस सरकार को भी हटा दिया गया। इस एग्रीमेंट के अपोज में एक इसराइल के अंदर एक रैली भी निकाली गई थी जिसका नाम था डेथ टू राबिन। उसमें अभी के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू वो भी शामिल हुए थे। इसके बाद नेतन्याहू पीएम बने और उन्होंने इस पीस एग्रीमेंट से किनारा कर लिया। चाहे पीएलओ हो या इसराइल हो, जो भी पीस एग्रीमेंट की बात करता था वो खत्म हो जाता था, उसको गद्दार कहते थे, देशद्रोही कहते थे। इस एग्रीमेंट के बाद यासिर अराफात जो थे उनकी जनता भी उनसे गुस्सा हो गई और पीएलओ की पॉपुलैरिटी जो थी वो भी कम हो गई। पैलेस्टीनी लोग कह रहे थे कि कहां हम पूरे एरिया की बात कर रहे हैं और कहां ये तुम छोटी छोटी चीजें मान के आ गए। इधर हमास जो था उसने भी कहना स्टार्ट किया कि पीएलओ वाले पैलेस्टीन को बेच के आ गए। इसके बाद हमास ने कई सारे हमले करे, फिर इजरायली गवर्नमेंट ने भी कई सारे हमले करे, दोनों तरफ से सिविलियंस की जान गई। बात इतनी ख़राब हुई कि ऑस्लो एग्रीमेंट जो था वो ठंडे बस्ते में चला गया और पीएलओ जो था जिसकी इमेज बहुत अच्छी थी पैलेस्टीनियंस के सामने, वो इमेज भी ख़राब हो गई। उनका जो रुतबा था पीएलओ का वो भी गिर गया। अब जो सपोर्ट था वो हमास को जा रहा था, लोगों को लग रहा था कि हमास ही है जो पैलेस्टीन उनको वापस दिलाएगा। इसकी वजह से हमास और पीएलओ की जो फतह पार्टी थी उसमें भी बहुत सारे क्लैशेज होने लगे। इसके बाद 2000 और 28th of September 2000 को ऐसी सिचुएशन बनती है कि सेकंड इंतफादा शुरू हो जाता है। एक्चुअली इजराइल के जो पीएम थे वो 1000 सिक्योरिटी गार्ड लेके टेंपल माउंट, जिसको अल हरम और अल शरीफ भी कहते हैं, वहां चले गए थे। वहां जाके उन्होंने कुछ बयान भी दे दिए थे जिसमें से एक ये था कि टेंपल माउंट जो है वो जूस का है। इससे जो पैलेस्टीनियंस थे वो फिर से भड़क जाते हैं, आम जनता भड़क जाती है और वायलेंस फिर से शुरू हो जाता है। जगह जगह पे प्रोटेस्ट हुए, कई लोगों की जान गई, हमास ने भी बहुत भारी अटैक किया और ये वाला जो सेकंड इंतफादा था ये 2000 से 2005 तक चला। इसको शांत करने के लिए इसराइल ने गाजा स्ट्रिप में जितने भी जूस थे उनको गाजा स्ट्रिप से पूरी तरीके से हटा दिया और सेकंड इंतफादा का ये फायदा हुआ कि थोड़ा सा बैकफुट पे आई इसराइली गवर्नमेंट, उन्होंने जो जूस थे जो गाजा स्ट्रिप में थे वो पीछे कर लिए और गाजा स्ट्रिप जो था अब उसमें पूरी तरीके से पैलेस्टीनियंस बचे थे। गाजा स्ट्रिप की बात करूं तो 2004 तक 7826 जो जूस थे वो उसमें रहते थे और सेकंड इंतफादा के बाद ये सारे के सारे छोड़ के चले गए थे। इसके बाद नवंबर 2004 में जब पीएलओ के हेड यासिर अराफात की डेथ होती है और महमूद अब्बास जो कि फतह पार्टी के थे ये पीएलओ के चेयरमैन बनते हैं और इसके बाद पीएलओ और वीक ही पड़ती है। दूसरी तरफ हमास जो थी वो और पॉपुलर होती है। जब पीएलओ ने पूरे इसराइल को लेने की बात की तो पीएलओ आगे बढ़ी और जब हमास ने पूरे इसराइल को लेने की बात की तो हमास आगे बढ़ा और ये दोनों पार्टी हमास और पीएलए की फतह पार्टी ये दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ने लगी। इसके बाद 26th of January 2006 को वेस्ट बैंक और गाजा में इंटरनल इलेक्शन होने थे कि कौन पैलेस्टीनियंस का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। तो इसराइल और यूएस दोनों नहीं चाहते थे कि हमास जीते क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा अटैक किए थे, परेशान किया था इसराइल को और इसराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी रेडी नहीं थे। पीएलओ, यूएस और इसराइल तीनों बहुत ही श्योर थे कि पीएलओ ही जीतेगा इस इलेक्शन में। इसराइल ने सिक्योरिटी का हवाला देके कई इलाकों में हमास को कैंपेनिंग भी नहीं करने दी। तो इसके बाद इलेक्शन हो जाते हैं और 29th of January 2006 को रिजल्ट आता है और जिसका डर था वही हुआ। हमास बम्पर वोटों से 74 सीट से जीत के आती है। सारे पैलेस्टीनियंस जो थे वो इसको सपोर्ट कर रहे थे और हमास का जो लीडर था इस्माइल हानिया जो कि अभी भी लीडर है, ये जो अभी रिसेंटली 7th ऑफ अक्टूबर को अटैक हुआ है उसमें भी ये शामिल था, तो इसने सोचा अब गाजा और वेस्ट बैंक पे ये खुद रूल करेगा। तो इस इलेक्शन के बाद हमास को शर्तें मानने को बोला जाता है, इसराइल को रिकॉग्नाइज करने को बोला जाता है और भी कई सारी चीजें उसको मानने को बोला जाता है, लेकिन हमास पूरी तरीके से मना कर देता है। तो जैसे ही हमास मना करता है तो सबसे पहले तो इसराइल जो पैलेस्टीनियन से टैक्स कलेक्ट करके पैलेस्टीनियन की अथॉरिटी को देता था वो उसने देना बंद कर दिया। उसके बाद यूएस जो एड देता था वो बंद कर दिया। अब बात इतनी बढ़ती है कि दोनों पार्टी जो फतह पार्टी और हमास इनके जो लीडर्स हैं और इनके जो सपोर्टर्स हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं। कई दिनों तक लड़ाई चलती है। इस लड़ाई को बैटल ऑफ गाजा बोला गया था, ये 2007 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद जो वेस्ट बैंक वाला जो एरिया था वहां से फतह पार्टी ने हमास को भगा दिया था और फतह पार्टी रूल करने लगी थी और गाजा स्ट्रिप से हमास ने फतह पार्टी को भगा दिया था और हमास खुद पूरी तरीके से गाजा स्ट्रिप पे रूल करने लगी थी। और तब से लेके आज तक कोई इलेक्शन नहीं हुए, यही दोनों
पार्टी वेस्ट बैंक और गाजा, वेस्ट बैंक पे फतह पार्टी और गाजा पे हमास, ये दोनों रूल कर रहे हैं। पीएलओ की जो फतह पार्टी है वो फिर भी पीस वगैरह की बात करती है, कुछ सोल्यूशन निकालने की बात करती है, लेकिन हमास पार्टी जो है वो इसराइल को खत्म करने की बात करती है। और हमास जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर अभी भी है, ऐसा नहीं कि बहुत पहले की बात है, अभी भी ये बहुत फेमस है। अभी 2021 में पैलेस्टीनियन सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे रिसर्च ने सर्वे किया था एक वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में, इसमें 1200 लोगों का सैंपल लिया था, जिसमें से 53% पैलेस्टीनियंस ने हमास को सपोर्ट किया था। अब होता क्या कि ये सारी चीजें होने के बाद जो पीस प्रोसेस है पहले दो पार्टियों में चल रहा था, इजराइल और पीएलओ के बीच में, अब इसमें तीसरी पार्टी आ गई थी हमास, तो जो पहले से ही फंसी हुई चीज थी वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। हमास को जो है अरब से भी सपोर्ट मिलने लगा, ईरान ने बहुत सपोर्ट किया हमास को, इसको हथियार वगैरह भी दिए, तो उन हथियारों का यूज करके एक बार नहीं काफी सालों से हमास गाजा पट्टी में बैठे बैठे ही इसराइल पे बैक टू बैक मिसाइलें मारता रहता है टाइम टू टाइम जब भी कोई इशू होता है। और इसी हमास के अटैक की वजह से इसराइल ने आयरन डोम डेवलप किया था जो हवा में ही मिसाइल्स को रोक देता है। हमास ने 2006, 2008, 2009, 2012, 2014, 2018, 19, 2021, 2022 और ये जो 2023 है अगर इसको भी इंक्लूड कर लें तो इन सारे सालों में मिसाइलें छोड़ी हैं और अटैक किया इसराइल पे, और फिर उसके बाद इसराइल वापस अटैक करके इनको मारती है, उसमें सिविलियंस भी मरते हैं, और इधर से जब हमास मारता है तो जो इसराइल के सिविलियंस हैं उनकी जान जाती है। इस वजह से गाजा स्ट्रिप को इसराइल ने हर तरह से ब्लॉक कर दिया है, मतलब कि एयर, लैंड, वाटर किसी भी तरीके से ये बाहर मूव नहीं कर सकते। पूरा का पूरा जो गाजा स्ट्रिप है वो ब्लॉक है, क्वारंटाइन जैसे करते थे पहले उस तरीके से क्वारंटाइन कर दिया। यहां तक कि गाजा स्ट्रिप का मूवमेंट वेस्ट बैंक जो है वहां पे भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है, परमिशन वगैरह लेके जानी पड़ती है। तो कई सारे ऐसे पैलेस्टीनियंस भी हैं जिन्होंने अपने लीडर्स को देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ टीवी पे ही देखा है। और क्योंकि गाजा स्ट्रिप जो है वो चारों तरफ से ब्लॉक है, इसराइल ने ब्लॉक कर रखा है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, तो हमास ने इसका सोल्यूशन निकाला। इन्होंने गाजा स्ट्रिप के अंदर अंडरग्राउंड टनल्स बना दिए हैं जहां से इजिप्ट वगैरह में निकलते हैं और फिर वहां से अपनी मूवमेंट करते हैं, हथियार वगैरह लेते हैं। ज्यादातर केसेस में हमास ईरान से ही हथियार लेता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के जो इंजीनियर्स हैं वो एकदम लो कॉस्ट पे मिसाइल बनाते हैं, और क्योंकि यूएस ने ईरान पे ऑलरेडी बैन लगाया हुआ है तो ये मिसाइल्स के जो कॉम्पोनेंट होते हैं ये लोग स्मगल करके मंगाते हैं, और इनकी मिसाइल जो होती है उसके कॉम्पोनेंट चीप होते हैं तो बहुत सस्ते में बन जाती है। कुछ मिसाइल्स तो ईरान ने शुगर के पाउडर से बना दी है, और इन्हीं मिसाइल्स का यूज 2014 में हमास ने किया था इसराइल के खिलाफ। कुछ ही मिलियंस लगा के हजारों की तादाद में ये लोग मिसाइल छोड़ देते हैं इसराइल पे, और उन्हीं मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए जो आयरन डोम से इंटरसेप्ट होती है उसके लिए कई गुना ज्यादा पैसा इसराइल को खर्च करना पड़ता है। गाजा स्ट्रिप जो है वो चारों तरफ से वैसे तो ब्लॉक है, लेकिन ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है वो इनको हथियार पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके यूज करते हैं। जो शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल्स होती हैं उनको तो ये सूडान और इजिप्ट के जरिए पहुंचा देते हैं, या फिर सी के थ्रू ये लोग पहुंचाते हैं। और कई बार ऐसी भी न्यूज आई है कि जो बड़ी मिसाइल्स होती हैं उनको ये स्विस कनाल के अंदर डंप कर देते हैं और कोऑर्डिनेट शेयर कर देते हैं हमास के साथ, और फिर वहां से हमास इन मिसाइल्स को ले लेता है। तो अरब कंट्रीज जब चाहे इसराइल को चेक पे रखने के लिए अटैक करा सकती हैं। तो देखिए हमास ने जो अटैक किए हैं वो तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन अभी ये जो करंट म्यूजिक फेस्टिवल वाला जो इंसिडेंट हुआ है 7 अक्टूबर को, उसका जो मेन रीजन है उसके पीछे 2021 की इसराइल और हमास की जो लड़ाई हुई थी वो रीजन है। और ये चीज हमास के जो लीडर्स हैं उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड में भी बोली है। ये 2021 वाली जो लड़ाई थी वो इतनी एस्केलेट हुई थी कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उसी दिन ये 7 अक्टूबर 2023 वाला अटैक प्लान हुआ था। एक्चुअली 2021 में हुआ क्या था कि जो जेरूसलेम है वहां पे इस्लामिक वक्त के ऑफिशियल ने क्लेम किया कि इजरायली ऑफिसर जो थे उन्होंने लाउड स्पीकर की वायर काट दी उनकी, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि नेक्स्ट डे जो वेस्टर्न वॉल थी वहां पे एक मेमोरियल डे स्पीच होनी थी और ये लोग नहीं चाहते थे कि उस टाइम पे रिचुअल प्रेयर जो होती है मुस्लिम्स की वो। इसको लेके इजरायली सिक्योरिटी जो थी, पैलेस्टीनियन जो थे, उनमें काफी बहस होती है, झगड़े होते हैं। लेकिन 15th ऑफ अप्रैल 2021 को टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें एक यंग पैलेस्टीनी एक जूस को जो है वो थप्पड़ मार रही होती है। ये वीडियो के बाद और वीडियोज आती हैं और काफी ज्यादा मामला एस्केलेट हो जाता है, और इसके बाद जो इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज थी उनके ऊपर पत्थर, फायर क्रैकर्स जो है ये सब पैलेस्टीनियंस फेंकते हैं, और उसके जवाब में इधर से स्टन ग्रेनेड्स, टीयर गैसेस, रबर की बुलेट ये सब फेंकी जाती है। और वहां के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो बुलेट्स थी, रबड़ बुलेट्स थी, ये मॉस्क के जो होली कंपाउंड थे
वहां जाके लगी। इस इंसिडेंट के बाद जैसे हमास को पता चलता है तो हमास हर बार की तरह गाजा स्ट्रिप से ही मिसाइल्स फेंकता है और इसके बदले में इसराइल जो है वो भी अटैक करता है। बहुत सारे सिविलियंस की जो है वो जान जाती है। लेकिन अलक्सा मस्जिद में जो हुआ था उसको लेकर अरब वर्ल्ड जो था उसमें भी बहुत गुस्सा था, लेकिन मोहम्मद डेफ जो था उसने उसी पर्टिकुलर दिन पे, अभी ये जो 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ था ये उसी दिन प्लान कर लिया था। इस पूरे अटैक का जो आइडिया था ये मोहम्मद डेफ जो कि हमास अल कसम ये जो ब्रिगेड है उसका हेड है उसका था, और इस प्लान में इसका साथ दिया था सिनवार जो कि गाजा के अंदर हमास का लीडर है, उसने इसको सपोर्ट किया था, और साथ में हमास का चीफ इस्माइल हनी जो कतर के दोहा में रह रहा है उसने सपोर्ट किया था। ये तीनों जो हैं पूरे वर्ल्ड ने इनको आतंकी घोषित कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी ये बचे हुए। इन तीनों में मोहम्मद डिफ जो है वो सबसे खतरनाक है। इसका नाम डिफ इसलिए है क्योंकि अरेबिक में जो डिफ का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है गेस्ट यानी कि मेहमान, और गेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई सालों से एक ही जगह पे कुछ घंटे से ज्यादा टिकता ही नहीं है। दुनिया के मोस्ट वांटेड में से एक है, 5 से 7 बार इस पर अटैक हो चुका है। 2014 में एक बार इस पर अटैक हुआ था जिसमें इसकी बेटी बेटा वाइफ ये सब मर गए थे, लेकिन ये बच के निकल गया था। 7 बार अटैक होने की वजह से इसकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर चला गया। लेकिन कहा जाता है कि ये गाजा के जो टनल हैं जो कि अंडरग्राउंड है उनमें ये रहता है, और इसकी कोई फोटो भी नहीं है, सिर्फ आज तक एक ही फोटो इसकी रिलीज हो पाई है और कोई नहीं हुई है। तो ये तीन थे, ये मेन थे, इन्होंने अटैक प्लान किया, और इन्होंने जो डेट डिसाइड की वो 7 अक्टूबर की डेट डिसाइड की इसी साल की, यानी 7 अक्टूबर 2023। इस पूरे हमले को जो इन्होंने नाम दिया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, और ये नाम इसलिए रखा था क्योंकि मई 2021 में जो हुआ था उसका इनको बदला लेना था, इसलिए नाम रखा था। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि करंट सिचुएशन में इन्होंने करा क्या। तो 6 अक्टूबर 2023 को एक सुपरनोवा सुकोट गैदरिंग म्यूजिक फेस्टिवल होना था, इसराइल के वेस्टर्न नेगव डेजर्ट में होना था, गाजा स्ट्रिप से करीब ये 5 किलोमीटर की दूरी पे था। ये जो म्यूजिक फेस्टिवल था इसको होना तो सदर्न इसराइल के सिमचेट टोरा में होना था, लेकिन इनकी किस्मत खराब थी, वहाँ पे ऑलरेडी कोई फेस्टिवल हो रहा था, तो लास्ट मिनट में यानी कि लास्ट 2 दिन पहले ही ऑर्गेनाइजर ने ये जगह चुनी जो कि 5 किलोमीटर दूर थी गाजा स्ट्रिप से। करीब 3,000 से 5,000 लोग इसमें शाम को ही पहुंच गए थे। रात भर यहाँ पे फेस्टिवल चला और चलते चलते सुबह हो गई, करीब 6 बजे के आसपास बजे थे। ठीक इसी टाइम पे मॉर्निंग में हमास के मिलिटेंट गाजा स्ट्रिप से कई ग्रुप्स में निकलते हैं। एक ग्रुप इनका बाय लैंड निकलता है, लेकिन क्योंकि चारों तरफ से स्ट्रांग फेंस लगी हुई थी तो उसको तोड़ने के लिए इन्होंने बुलडोजर का यूज किया, और जीप लगी हुई थी वहां पे, उन जीप में ये लोग बैठते हैं और आगे निकलते हैं। सेम टाइम पे दूसरा ग्रुप जो था इनका वो के रास्ते से इसराइल पे पहुंचता है, और तीसरा ग्रुप इनका हवा में मोटराइज्ड पैराग्लाइडर लेके पहुंचता है, और एट द सेम टाइम इनका एक ग्रुप गाजा स्ट्रिप पे सेट किया था इन्होंने जो गाजा स्ट्रिप से मिसाइल छोड़ेगा। टोटल 5,000 से ज्यादा मिसाइल्स इन्होंने इसराइल पे छोड़ी थी। इनको पता था कि आयरन डोम जो है वो मिसाइल को रोक लेता है, इसलिए इन्होंने एक साथ सारी मिसाइल छोड़ी थी ताकि आयरन डोम जो है वो सारी मिसाइल्स को एक साथ ट्रैक ना कर पाए। 6:30 बजे मॉर्निंग में ये जो अटैक है वो स्टार्ट होता है। 7 बजे के आसपास बाकी ग्रुप जो थे वो इसराइल और गाजा के बॉर्डर वाले में, जिसमें नहाल, होलेट, नीर, नेटिव, हसारा, बेरी और कफारजा थे, इनमें ये घुसते हैं और जो मिलता है उनको मारते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। इस अटैक के स्टार्ट होते ही मोहम्मद डेव एक ऑडियो रिलीज करता है। في ظل هذه الجرائم المتواصلة بحق أهلنا وشعبنا وفي ظل عربدة الاحتلال, और इसी के साथ साथ एक ग्रुप जो जहां फेस्टिवल चल रहा था वहां पहुंचता है मोटराइज्ड पैराग्लाइडिंग के थ्रू। अब इसमें कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि दूर से ही म्यूजिक की आवाज आ रही थी इसलिए वहां पे पहुंचे, और कुछ लोगों का यह कहना है कि पहले से ही इनके पास इंटेलिजेंस थी इसीलिए वो डायरेक्ट वहीं पे पहुंचे। इवेंट जो चल रहा था, इवेंट चलते चलते सुबह हो गई थी, और इवेंट के अंदर 7 जैसे ही बजते हैं तो अचानक से सायरन बजता है। जब भी रॉकेट वगैरह गाजा से आते हैं इसराइल की तरफ तो ये सायरन बजता है, तो ये सायरन सुन के पहली बार फेस्टिवल में कुछ लोग जो थे वो परेशान हो गए थे। कुछ लोग तब भी ये समझ रहे थे कि ये शायद कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, ये इस इवेंट का ही पार्ट है, और देखते ही देखते आसमान में पैराग्लाइडर्स दिखते हैं और ये लोग उतरते ही पूरे फेस्टिवल में अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। कुछ लोग गाड़ी से भी आ गए होते हैं और ये अंधाधुंध सब पे अटैक करते हैं। जहां पे फेस्टिवल हो रहा था वहां पे पूरा खाली इलाका था तो छुपने की ज्यादा जगह नहीं थी, ओपन ग्राउंड था, तो सब ओपन ग्राउंड में ही भाग रहे थे और ये लोग पीछे से गोलियां चला रहे थे और कार से पीछा कर रहे थे। इस फेस्टिवल में जो लोग कार से आए थे वो अपनी कार से भाग रहे थे। इतनी ज्यादा कार हो गई थी कि रोड पूरी ब्लॉक हो गई थी, उन ब्लॉक्ड रोड पे कार पर डायरेक्ट इन्होंने फायरिंग करी। ये जो फेस्टिवल चल रहा था इसमें 260 लोगों की जान गई, 130 लोगों को ये लोग किडनैप करके वापस गाजा में ले गए क्योंकि हमास के कुछ लोग जेल में बंद थे, तो इनका प्लान था कि इसराइल के कुछ लोगों को वापस गाजा में ले जाएंगे और फिर अपने साथियों को जेल से छुड़वाएंगे और नेगोशिएशन करेंगे। आपने ऑलरेडी वो वीडियो देखी होगी जहां पे निकोल लुइक जो कि एक टैटू आर्टिस्ट थी, जर्मन इसराइल ड्यूअल सिटीजनशिप थी उनकी,
उनको कैसे परेड करवाया गया, फिर एक लड़की को बाइक पे बैठा के कैसे ले गए थे, वो भी आपने देखा ही होगा। इवेंट का जो ऑर्गेनाइजर था उसको मार दिया गया, जो को ऑर्गेनाइजर था वो अभी भी गायब है। अब इसके बाद 8:34 पे इसराइल जो था वो हमास के अगेंस्ट में काउंटर अटैक स्टार्ट कर देता है, और करीब 2 घंटे बाद 10:47 पे इसराइल की एयर फोर्सेस गाजा पे जो है वो अटैक शुरू कर देती हैं। करीब 1200 से ज्यादा मिसाइल जो है वो गाजा पे फेंकी जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही 11:35 पे इसराइल के पीएम जो थे वो ट्विटर पे पोस्ट कर देते हैं कि ये अब वॉर शुरू हो गई है। और इसके 1 घंटे बाद ही इसराइली फोर्सेस जिन जिन एरिया में हमास के जो आतंकवादी थे वो घुसे थे उनको निकाल के बाहर करती हैं। इसके 2 दिन बाद 9 अक्टूबर 2023 को लेबनान के बॉर्डर की तरफ से जो हिजबुल्ला था उसने भी अटैक कर दिया था। 10 अक्टूबर को जो सीरिया का गुलान हाइट था वहाँ से भी स्ट्राइक हो गई थी। हर तरफ से अटैक शुरू हो चुके थे। 9 अक्टूबर को इसराइल ने गाजा स्ट्रिप को चारों तरफ से ब्लॉक करके गाजा का वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड सप्लाई सब कुछ ऑलरेडी रोक दिया था। इसराइल के एयर स्ट्राइक में 1000 से भी ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, इसमें नॉर्मल सिविलियंस जो थे उनकी भी जान गई और 5000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। अभी तक टोटल इतनी कैजुअल्टी हुई है कि इसके बाद यूएस ने इजिप्ट से बात करके पैलेस्टीनियंस जो हैं उनके लिए रास्ता खोलने की बात की है, और 2000 पैलेस्टीनियंस जो हैं वो गाजा छोड़ के बाहर निकल चुके हैं। इसके 3 दिन बाद यूएस ने अपना एयरक्राफ्ट इसराइल के सपोर्ट में भेज दिया, और जिस दिन एयरक्राफ्ट आया था उसी सेम डे इसराइल ने सीरिया के जो एयरपोर्ट थे उनके ऊपर भी स्ट्राइक कर दी। तो हर तरफ से लड़ाई चल रही थी। इसराइल के एक्शन से लग रहा है कि वो इस बार गाजा को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लेगा और हमास को खत्म करेगा। अभी फिलहाल ये जो आप पूरा येलो एरिया देख रहे हो इसको खाली करा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन अभी भी है कि हमास ने ऐसा किया क्यों? उसको पता था कि इसराइल वापस अटैक करेगा, और हमास ने 5000 मिसाइलें अरेंज कहां से की? इतनी लंबी प्लानिंग करी हमास ने और किसी को पता तक नहीं चला। ईरान का क्या रोल है? बहुत सारी थ्योरियां हैं जिसमें से एक थ्योरी मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, ये ब्लू वाला जो है एक स्टैंडर्ड रूट है ट्रेड का। ये रूट यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रूट से ट्रेड होता है और पैसा बनता है। इधर इंडो पैसिफिक से यूरोप जाना हो तो कंट्रीज इसी रूट का यूज करती है और इसमें यूएस का फायदा होता है। और इसके काउंटर में रशिया ने इससे काफी छोटा रूट डेवलप कर दिया है जो इंडिया से स्टार्ट होकर ईरान से होते हुए यूरोप पहुंचता है, जिसको NSTC कहते हैं। अभी जो NSTC वाला रूट है ये छोटा भी है और इसमें पैसा भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, तो इसकी रेलेवेंस ज्यादा है, और जो स्टैंडर्ड रूट था वो धीरे धीरे इररेलेवेंट होगा, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। ये जो रेड वाला जो है ये NSTC रूट है, इससे यूएस का पूरा गेम खराब होगा। तो यूएस ने इसके काउंटर में IMEC इंट्रोड्यूस किया। ये भी इंडिया से ही शुरू होगा, सऊदी अरेबिया से होते हुए इसराइल से होते हुए यूरोप पहुंचेगा। G20 में जब इसकी बात आगे बढ़ी तो ईरान ने इस चीज से परेशान होकर कई सारे स्टेटमेंट भी दिए थे कि मिडिल ईस्ट में ये जो रूट है ये सक्सेसफुल नहीं होगा, वहां ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन है, इस तरीके के स्टेटमेंट दिए थे। एक्चुअली सऊदी अरेबिया जो है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो कई लोगों ने कहा कि ये सक्सेसफुल ही नहीं हो पाया। देखिए, इजिप्ट ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया, जॉर्डन ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया, ये पूरा ग्रीन जो है इतनी कंट्रीज ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया। किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज ना करने का मतलब होता है कि आप उस कंट्री से ट्रेड नहीं कर सकते, आपके जो सिटीजन है, जो आपके लोग हैं, वो उस कंट्री जा नहीं सकते, क्योंकि रिकॉग्नाइज ना करने की वजह से जो पूरी कंट्री है उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है। अब अगर यूएस जो है वो सऊदी और इसराइल के बीच के रिलेशन सही नहीं करेगा तो ये जो पूरा रूट है ये फेल हो जाएगा। इसलिए इस टाइम यूएस जो है वो सऊदी के साथ नॉर्मलाइजेशन की एक डील कर रहा है। सऊदी ने डिफेंस वगैरह जो मांगा है यूएस ने सबके लिए हां करी है, क्योंकि उसकी नीड है। और इधर से यूएस ने डिमांड करी है कि वो बस इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ले, और हाल फिलहाल में इजराइल और सऊदी अरेबिया ने ये इंडिकेशन भी दिए, उनके स्टेटमेंट आप देखोगे तो इंडिकेशन भी दिए हैं, उससे लग रहा था कि सऊदी अरेबिया जो है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला है। और वैसे भी सऊदी अरेबिया से अगर रूट जाएगा, ट्रेड रूट जाएगा, तो सऊदी अरेबिया का भी फायदा होगा, इसलिए वो एग्री होता हुआ भी दिख रहा था। लेकिन आप कोइंसिडेंस देखिए कि G20 में सब बात आगे बढ़ती है और इधर अटैक हो जाता है। अब इस अटैक से दिक्कत ये हो गई है, अब जो इसराइल है वो रिटेलिएट करेगा और गाजा में अटैक करेगा, जिससे आम पैलेस्टीनी जो है उसकी भी जान जाएगी। अरब वर्ल्ड की जो जनता है वो इस चीज को बिल्कुल फेवर नहीं करेगी, अपने लीडर्स पे प्रेशर बनाती है। टर्की की जो जनता है वो तो अपने लीडर से ये तक कह रही कि आप अपने सोल्जर्स क्यों नहीं भेज रहे हो इसराइल के खिलाफ। तो ऐसे टाइम पे अगर सऊदी अरेबिया इसराइल को रिकॉग्नाइज करने की बात करेगा तो अरब वर्ल्ड में जो उसकी रेपुटेशन है वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज, ईरान जो है वो अरब वर्ल्ड जो है जो मिडिल ईस्ट का उसका लीडर भी बनना चाहता है। तो इस अटैक की वजह से हुआ ये है कि सऊदी अरेबिया का इसराइल को रिकॉग्नाइज करना फिलहाल के लिए तो डिले हो गया है, मतलब भले ही होगा आगे कि नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए तो डिले हो गया है। और जो ट्रेड रूट है IMEC का, ये भी खतरे में आ गया है। अब चाहे ईरान का अरब वर्ल्ड का लीडर बनना हो, चाहे ये जो ट्रेड रूट है इसको रुकवाना हो, इस लड़ाई से सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है वो ईरान का ही हो रहा है, और इसीलिए जो उंगलियां हैं वो ईरान के ऊपर उठ रही हैं। लेकिन इस पूरे केस में रशिया ने एकदम उल्टी बात कह दी है। रशिया की स्पोक्स पर्सन मारिया जो है उन्होंने कहा कि ऐसा क्या कोइंसिडेंस है कि यूएस ने जस्ट 1 महीने पहले यूक्रेन की जो आर्म सप्लाई है वो बंद कर दी, जो पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग था। तो रशिया की स्पोक्स पर्सन का कहना है कि यूएस की जो CIA
फाइव आईज हैं, इन सबको पता ही नहीं चला कि हमास इतने टाइम से अटैक प्लान कर रहा था। उनका ये कहना है कि यूएस को 100% पता था, उन्होंने जानबूझ के मोसाद को नहीं बताया, यही रीजन था कि मोसाद उस चीज को ट्रैक नहीं कर पाया। एक महीने पहले यूएस ने जो यूक्रेन के आर्म सप्लाई रोके थे, अब उसको वो मिडिल ईस्ट में यूज करेगा। यूएस ने जो मिडिल ईस्ट में इसराइल नाम का लठ रख रखा है, उसको यूएस अब यूज करेगा मिडिल ईस्ट को चेक में रखने के लिए। अब देखिए, थ्योरीज तो बहुत आ रही है, लेकिन ये जितना सिंपल लग रहा है ऑब्वियसली ये उतना सिंपल नहीं है। बस हमास ने ऐसे ही उठ के अटैक कर दिया, ये इतना सिंपल नहीं है। इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट फंसे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी पावर जो हैं उनके गेम्स चल रहे हैं। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि कुकू एफएम की ऑडियो बुक इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन द कर्स्ड वॉर जरूर सुनिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। थैंक यू।